मोक्षदापुरी है भगवान की मथुरा नगरी, जहां के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा साधु हृदय के, दुष्ट परंतु दुर्भाग्य से बेटा हो गया दुष्टात्मा, नाम था जिसका कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, मार काट में जिसको मजा आता हो उसका नाम कंस। इतना दुष्ट पापी था कि एक दिन पिताजी को प्रणाम करने आया और प्रणाम करते ही उठा करके ले गया और जेल में पटक करके कैद कर दिया। बोले बुड्ढे हो गए कमरा, आप हमारा पद छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं। पिता को बंदी बना करके जबरदस्ती तख्ता पलट करके बैठ गया सिंहासन पर, जबरदस्ती राज्याभिषेक करवा दिया, जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़वा दिया और मथुरा की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अपने बाप से छीन के जनता में कानाफूसी होने लगी, जो बाप का नहीं होगा वो और किसी का क्या होगा, तो क्या करें। कंस ने जब ये बातें सुनी तो उसको लगा कहीं तख्ता पलट मेरा ही ना हो जाए, जनता विद्रोह कर जाए तो किसी को भी गिरा सकती है। तब इसने क्या किया, मंत्रिमंडल से परामर्श किया क्या करना चाहिए। तो सबने कहा महाराज जनता बड़ी भोली है, अच्छे अच्छे दो चार काम बढ़िया बढ़िया करो तो जनता सब बातें भूल जाती है, तो ठीक है। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का कर दिया और उस विवाह में इतना अद्भुत इसने समारोह किया कि पूरे मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सुसज्जित कर दिया। धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव जी से करके विदाई की तो जनता आपस में चर्चा करने लगे लोग कि महाराज की सगी बहन नहीं है देवकी, पर फिर भी देखो कितनी उदारता के साथ अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, ऊपर से थोड़े कठोर लगते हैं पर भीतर से तो बिल्कुल कोमल है, पानी पानी। जब ये सकारात्मक टिप्पणियां सुन के कंस ने कहा इसका मतलब माहौल अब बदल रहा है, मेरे प्रति लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, तो कुछ और नाटक करना चाहिए तो और अच्छी भावना बनेगी। तो और ज्यादा नाटक दिखाया, विदाई की बेला में रथ के सारथी को उतार के बोला नीचे उतरो, मैं अपनी बहन जी की विदाई देख नहीं पाता इसलिए मैं स्वयं बहन को विदा करने घर तक जाऊंगा, मैं उसको विदा करते देख नहीं पाऊंगा। और जो महाराज इसने झरझर आंसू बहा के रोना चालू किया, बोली वाली जनता भावुक हो गई, ओहो महाराज इतने भावुक हैं ये तो आज ही पता चला हमको, कितने सज्जन हैं कितने सहृदय हैं। और जब रो रो के विदा रथ हांकने लगा बहन जी को ससुराल पहुंचाने के लिए, देवताओं ने देखा देखो कितना दुष्ट है, भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी से उद्घोष कर दिया, अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, हे मूर्ख कंस याद रख जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद और भावुक है इसी देवकी का आठवां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, भगनी महंत मारब्ध खड़ग पाणी कचे ग्रहित, एक क्षण में इसका माथा घूम गया और तुरंत देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक कर निकाल तलवार खड़ग प्रहार करने को हुआ कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको महाराज जोश में होश मत खोइए, अरे वसुदेव तुमने सुना नहीं ये मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा मैंने सब सुन लिया परंतु आकाशवाणी ने देवकी को काल नहीं बताया है, देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको काल बताया कि इससे बच्चा जो होगा वो तुम्हारा काल है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो महाराज, ये सारी जनता तुम्हें देख रही है, विदाई की वेला है, बहन सुहागिन बने हैं तुमसे आशीर्वाद की अपेक्षा करती है और तुम उसका वध करोगे, अरे महावीर पुरुषों को स्त्री पर हाथ ही नहीं उठाना चाहिए और तुम ऐसे बड़े वीर के अपनी बहन पर हाथ उठाओगे। पर जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है, अभी जिसके लिए आंसू बहा के रो रहा था एक मिनट में उसी की गर्दन उड़ाने को तैयार हो गया। दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर की तरह होता है, ना तो बनते देर ना मिटते देर, और सज्जनों का प्रेम पत्थर की लकीर होता है, जल्दी किसी से प्रेम करते नहीं और प्रेम किया है तो जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं,
पत्थर पर लकीर बनती नहीं, बन गई तो फिर मिटती नहीं। और वसुदेव जी के समझाने पर कंस को समझ में बात आ गई। अच्छा, तो एक समझौता करते हैं, क्या? जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास ही रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मैं स्वीकार है महाराज। पत्नी की जो रक्षा करे उसी को पति कहते हैं। पारक्षणे धातु है, पाति रक्षति ति पति। पति धर्म का पालन करके वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी को बचा ही लिया। पर दोनों को बंधक बना लिया कंस ने। समय पाकर के पहला बेटा हुआ, प्रथम पुत्र को वसुदेव जी ने स्वयं कंस को लाके दिया। कंस बड़ा खुश हो गया, ले जाओ, खतरा मुझे 8 में से है तो इसको क्यों मारूं, चले गए। और उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब ये वातावरण देखा तो मन में सोचा ये दुष्ट ऐसे दया दिखाएगा तो जल्दी नहीं मरेगा। सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, जब ये बच्चों को मारेगा तभी ये जल्दी मरेगा। इसलिए कंस के सन्मुख नारद जी ने लाके कमल का फूल दिखा दिया। बोले बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रही 8। बोले यहां से क्यों गिनते हो, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, अलग अलग गिनवाई तो 8 8वीं नजर आई। अब बुद्धि चकराई, अरे गुरुजी अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब पहला भी 8वां 8वां भी पहला हो सकता है, मुझे खतरा नहीं लेना चाहिए। तुरंत वसुदेव जी को बुला करके बच्चे को छीन लिया, उठा के पटक दिया। मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से बचते हैं, इनका अपना कोई स्वविवेक नहीं होता। कंस का बुद्धि घुमा दी और कंस ने इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या की। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया कि अब की बार तुम बड़े भैया बन जाओ, हम छोटे बनेंगे। और योग माया को बुला के निर्देश दिया कि देवकी के गर्भ में गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उसे स्थापित कर दो। ये गर्भांतरण प्रक्रिया जो आज भी वैज्ञानिक करने लगे। और तुम स्वयं यशोदा मैया की बेटी बन जाओ, कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा, तब तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नामों से तुम्हारी ख्याति जन जन में होगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, पर कंस ने ऐसा समझ लिया कि देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे तो चारों ओर देवकी माता का प्रकाश दैदीप्यमान होने लगा। देवता समझ गए कि प्रभु अवतार लेने के लिए आ गए। सारे देवता प्रकट होके गर्भस्थ भगवान की स्तुति गाने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहके देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। क्यों? क्योंकि देवताओं के मन में एक डर है। किस बात का? कि भगवान ने हमें वचन दिया था कि हम अवतार लेके आ रहे हैं और सब दुष्टों को मार देंगे, चिंता न करो। तब से निश्चिंत थे देवता। पर जब देवकी के पुत्र बन के आते दिखाई पड़े तो मन में सोचा ये जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का फूफा बना बैठा है, तो ऐसी स्थिति में मामा फूफा समझ करके कहीं ऐसी छोड़ के ना चले जाए वापिस। इसलिए कहते हैं सत्य व्रतम, आपने जो व्रत लिया है भूभार हरण करने का वो पूरा करके रहना, चाहे मामा हो चाहे भूपा, किसी को छोड़ना मत महाराज, पृथ्वी का पूरा तरह से भार उतारना है। इसलिए सत्य की दुहाई दे करके देवताओं ने स्तुति गाई और स्तुति वंदना करके देवता चले गए। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया, सारी प्रकृति नव वधू की भांत सुसज्जित हो गई। काल परम शोभन,
बड़ा अधिकारी आ जाए तो कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी जाती है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचो। उसी प्रकार रात्रि में कमल खिलने का कोई काम नहीं है, कमल दिन में खिलते हैं रात में नहीं, पर कमलाकांत रात के 12 बजे आ रहे हैं तो रात में भी सरोवर में कमल खिल के कमलाकांत का स्वागत कर रहे हैं। सारी प्रकृति नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो गई। देवकी वसुदेव ने कारागृह में भगवान को शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट रूप से देखा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो श्री नारायण का दर्शन हुआ, देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ के दंडवत करके स्तुति गाई। भगवान बोले, माँ आपने मुझसे पुत्र के रूप में मांगा था, आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के ही आ रहा हूँ, पर चार हाथ बाला बन के इसलिए आया हूँ कि बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहाँ कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझा कर बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से बच्चे बन के भगवान माता देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं, तूषणीम बभूव बिल्कुल चुपचाप रहे, जबकि रामावतार में खूब गला भाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। राम जी तो बहुत रोए थे पर श्याम जी ने आवाज ही नहीं निकाली, क्यों? क्योंकि जानते हैं रामावतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती नाचती कूदती आई थी, और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए भगवान ने कोई आवाज नहीं की, मौन रहे। परंतु वसुदेव जी ने देर न लगाई, लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के जैसी चलने को हो गए, हाथ हथकड़ी बेड़ी अपने आप ही खुल गई, दरवाजे खुल गए, जितने पहरेदार थे सब खर्राटे बजा के सोए गए। जीव का जगदीश से संबंध जुड़ते ही भव बंधन खुल जाते हैं, अज्ञान के कपाट हट जाते हैं, काम क्रोधादि शत्रु सब सो जाते हैं और जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, जैसे वसुदेव जी भगवान के भगवान को पाकर के मुक्त हो गए। जैसे आगे बढ़े तो आकाश के मेघ मंडलों ने दर्शन किए, बोले वाह हम भी सांवले सलोने घनश्याम, तो हमारे प्रभु भी सांवले घनश्याम, तो घनश्याम को घनश्याम की सेवा में कुछ तो भेंट करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है पर तोयम हमारे पास पर्याप्त है, तोयम माने जलम। तो मेघों ने पानी की फुहारों से मंद मंद बरसात करके भगवान का स्वागत किया। बबर सफर जन्य पांसु घर जेता से सोन वगाद बारे में बार यं फड़े बारे ने बार यं फड़े। पानी की मंद फुहारों से मेघों ने स्वागत किया माधव का। शेष भगवान ने देखा ये पानी बरसा रहे हैं, ठाकुर जी हमारे नन्हे से हैं, तो हजार फन तान के शेष भगवान छत्र बन के पीछे पीछे चल पड़े। पानी क्यों बरसा? भगवान आदेश देते तो बंद नहीं हो जाता, पर भगवान की इच्छा से पानी बरस रहा है, क्योंकि वसुदेव जी लेके गोकुल जा रहे हैं। गोकुल सर्वथा ग्रामीणांचल है और गाँव देहातों में बहुत से पुरुष घर के बाहरी खाट डाल करके लेट जाते हैं, घर के भीतर कम सोते हैं। ग्रामीण अंचलों में प्राय लोग खुले मैदान में सोना पसंद करते हैं, तो गोकुल में वसुदेव जी लेके जा रहे हैं और कहीं खटिया बिछाए दरवाजे के बाहर, कहीं लोग सो रहे होंगे और कहीं अंधेरे में, कृष्ण पक्ष की रात है, कहीं टकरा गए किसी से पोल पट्टी खुल जाएगी और सब बात रहस्य उजागर हो जाएगा। इसलिए भगवान की इच्छा से पानी बरसा, जो पानी की बूंदें पड़ी तो अपनी अपनी खटिया उठा के सब घर के भीतर घुस गए और सारी गलियां सुनी शांत हो गई, इसलिए पानी बरसा। बोलो राधे राधे। परंतु जैसे ही आगे बढ़े तो जमुना जी ने दर्शन किए, ओह ये मेरे होने वाले पतदेव हैं और प्रथम बार आ रहे हैं तो बिना चरण छुए नहीं जाने दूंगी। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी के कंठ तक पानी पहुंच गया,
प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही और पिताजी डूबे जा रहे हैं, इसलिए तुरंत अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया। उन चरणों का स्पर्श होते ही जमुना जी पाद प्रक्षालन करके तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में बाढ़ आई थी अपने प्रियतम को पाने के लिए, मिलने के लिए। एक बार अपने प्रियतम का मुख तो देखूं वो कैसे हैं। सो जैसी उमंग उठी जमुना की तरंग में, तो जमुना जी को पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। इसलिए बिचारी शर्मा करके तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोली यमुना महारानी की जय। ऐसे यमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को उठा करके वापिस ले आए। और जैसी वापिस बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए। और कन्या ने फिर जो गला फाड़ के रोना चालू किया। पहरेदार जग गए, कंस को खबर दिए, कंस दौड़ा भागा आया। पर देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को देख के चकराया। परंतु मैं छोड़ूंगा नहीं, आठ मास कोई भी हो। तुरंत उस कन्या को छीन करके आकाश में घुमाया कि कन्या हाथ छोड़ा के उड़ गई आकाश में। अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, हे पापी, किम मया हत्या मंद जात खल तबांत कृत। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। यत्र क्वबा पूर्व शत्रु, तेरा काल तेरे आसपास ही है, ज्यादा तुझसे दूर नहीं है, तू अपने आप ढूंढ। और यूं कह के देवी विंध्याचल पर्वत पर जाके विराजमान हो गई, जो विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। इस वचन को सुन के कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा। बहन जी, आज जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला है कि ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। बताओ, देवताओं ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया। या तो ये देवी झूठी या ये देवता झूठे, दो में से कोई तो एक झूठा होगा। बहन जी मुझे माफ करना, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तुझे बहुत सताया। और यूं कह के इसने देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया और घबराता हुआ घर गया। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सबको सारी घटना सुनाई। पूतना ने कहा, भैया चिंता ना करो, मेरा नाम है पूतना, आसपास एक भी पूत जीवित नहीं बचेगा, सबको ठिकाने लगाऊंगी मैं, आप निश्चिंत रहो। कंस जो कर रहा है करने दो, उधर नंद भवन में क्या हो रहा है, अब चलते नंद भवन। ब्रज की कथा आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ग्लातो वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं तथा। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक बार संत महंतन की मंडली गोकुल में आई, नंद बाबा ने सबन को स्वागत कियो, खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाई। तो महंती जी ने डकार लई और आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। श्री नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज 90 वर्ष को डोकरा है गयो, अभी आप बुढ़ापे में का छोरा है जाएगो, अब तक तो भयो ना है, आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है। बोले, मेरे कोई ना है महाराज। हे भगवान, तो मोहते भगवान जाने कैसे आशीर्वाद निकल गए। अब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो अब होके ही रहे हो।
नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपा से 9 लाख गैया घर में है, दूध दही की काऊ बात की कमी ना है, खूब छानो घोटो, बस यही आशीर्वाद दो। संतन ने चिमटा गाड़ लिए, आसन जमाई लिए, संतन के आशीर्वाद को चमत्कार चमत्कार भयो, कछु दिनन में यशोदा जी को लाभ है। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा के छोरा हो बेवारो है। गोपियन को भनक पड़ी तो गोपियन ने खुशी के मारे 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया चुनरी बनवाई ली, जादना जसोदा के छोरा हो गो बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू। नंद बाबा अपनी बहन जी ये बुलावे पहुंच गए, बहन सुनंदा तू जल्दी घर चल, बुआ बनवे बारी है। इतना सुन के नाचती कूदती झूमती 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा जी भाभी जी की सेवा करवे को। यशोदा जी का जब विवाह हुआ और दुल्हन बन के घर आई तो सुनंदा जी ने भाभी का मुंह देखा तो गले में हीरे का हार जगमगाता नजर आया, 9 लखा हार देख करके सुनंदा ने मन में संकल्प लिया, जादना मैं बुआ बनूंगी, बादना भाभी से ये हार मांग के ही रहूंगी। पर बा बिचारी को बुढ़ापो आ गयो, हार मांगवे को दिन ही ना आवे। आज खुशी के मारे उछलती सुनंदा जी भाभी जी की सेवा में लगी है। बोलो राधे राधे। जो सबको यश देती हो उसका नाम यशोदा, यशह ददाती, और जो सबको आनंद देता हो उसका नाम नंद, नंद यति जगदिति नंद, जो सबको आनंद दे वाको नाम नंद, और जो आनंद न दे वाको नाम ननद। बोलो राधे राधे। कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकु ननद से सुख मिले, नहीं तो प्राय ननद के नाम से भाभी जी की धड़कन बढ़ जाए। पर ये ननद नहीं है, इनका नाम है सुनंदा, जिनके आने का समाचार सुनते ही जसोदा भाभी प्रसन्न रह जाए, क्या सुनंदा आ गई, अमोई घर की चिंता न। दौड़ दौड़ के सेवा कर रही थी कि अचानक आज कब वसुदेव रात में आए गए, अदला बदली कर गए, काऊ के पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी, जब देखा दरवाजे खुले पड़े हैं तो चक्कर में पड़ गई, अरे राम राम, घर की काऊ के चिंता ही ना है, सब रे दरवाजे खुले पड़े हैं रात में और भाभी जी अभी तक ना ही जगी। तो भाभी के कमरे में झरोके से झांक के खिड़की से देखा तो नील कमल जैसा नन्ना सा लाला जसोदा भाभी के अंक में किलकारी भरता नजर आया। जो यह दृश्य देखा सुनंदा भाग के भीतर भवन में गई और कमरे में जाके लाला की आभा प्रभा शोभा निकटता से निहारी तो जोर से खुशी के मारे उछलती वही दौड़ी, है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ। सबरे ग्वाला भागे भागे आए, कहा भयो, मुंह पे हाथ धर के बोली कछूना भयो। तो ऐसे काहे कुन चिल्लाई, हम तो घबरा गए भाई, बात का ही। मन में सुनंदा जी ने सोचा खुशखबरी पहले भैया है मैं ही सुनाऊंगी, मोते पहले काऊ और ने खबर पहुंचा दी तो मेरो तो 9 लखा हार गयो पानी में। तो तुरंत बोली मैं सब बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ भैया कहाँ हैं। कुछ ग्वाला बोले अथाई पर बैठे बैठे माला सटकारे, हम अबाली मिल के आए। तो सुनंदा जी भागी भाई अथाई पर गई तो ग्वालन के बीच में नंद बाबा माला जप रहे, तो मंत्र कौन सो जप रहे, अब आई तो भयो ना है आगे पतो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार है, कब छोरा होवे कब खुशी को समाचार आवे। इतने में सुनंदा पहुंच गए, अरे भैया मैं कहां का तुम्हें बाबरी बनी खोजती फिर रही हो, तुम यहां बैठे माला सटकाए रहे हो। तुरंत बोले बहना जल्दी बता खबर का है। बोले भैया पहले ये बता इनाम का है। अब भाबा की धड़कन दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई। तुरंत तिजोड़ी की चाबी बगल में से निकाल के सुनंदा के हाथ में धर दी, बहना ये तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी आवे सो बधाई ले ले, पर देर मत कर फटाफट बता। तब कान में आके सुनंदा बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। इतना सुनते ही खुशी के मारे नंद बाबा तो झूमने लगे, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। जैसी गोपी ग्वालन ने समाचार सुना तो सब गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ करके लेले बधाई आने लगे। गोपियां जसोदा मैया को घेर घेर के बधाई दे रही हैं और ग्वाला नंद बाबा को घेर घेर के बधाई दे रहे हैं। अब कैसे बधाई दे रहे हैं, आपको भी बधाई देनी पड़ेगी आज। पहले हम कहेंगे मैया बधाई हो, तब गोपियां बोलेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो
तो ग्वाला कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें ग्वालन की बधाई जोरदार आवे के गोपियन की। आज आपकी परीक्षा है, 3-4 घंटे से आप लोग शांत बैठे हैं, आप बधाई जरा जोरदारी के साथ देना। पहले गोपियां, क्योंकि आजकल हर मामले में गोपियां नंबर 1 पे चल रही हैं, इसलिए गोपियां पहले बधाई देंगी, ग्वाला बाद में। तो क्या दें, कैसे बधाई देनी है, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिएगा। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जाए जैसे भोजन करके ही ना आई हो। भोजन की चिंता है ना, कथा के बाद फिर भोजन करना है और सब बन के तैयार है, घर में जाके चूल्हा नहीं फूंकना, इसलिए पूरी दमदारी के साथ दोबारा बधाई दो। अरे गोपियन की बधाई बरसाने में सुनाई पड़ी, तुम्हारी बधाई तो अब मंडप के बाहर उना निगरी होगी, इसलिए पूरी दमखम लगा करके सब गोपियां बधाई दो। मैया बधाई हो, मैया बोली बहनाओ बार बार बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में खुशी को दिन देखवे को मिलो है। अब आ गए हमारे मूछन वारे ग्वाला भाई। ब्रजवासियों बात खराब ना है जाए, पूरी दम लगा के बोलियो आगे पीछे से, क्या बोलना है। बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। माइक में नहीं मानी जाएगी भाई, बेईमानी है जाएगी। बिना माइक के ईमानदारी से बोल के बताओ तब तो चलेगा भाई। दोबारा बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों अपनी मूछन की लाज बच गई, गोपी ग्वाल साहब झूम रहे नाच रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, चलिए हम भी प्रेम से गाएं और नंद भवन में अपने को अनुभव करते हुए प्रेम से नाचें और प्रेम से बधाई पाएं। अरे कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नेक धीरे नेक धीरे धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, मेरो कान्हा झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, मेरो कान्हा झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नेक धीरे बधाई हो। झूठा दीजो मेरो
पालना रेशम को यक बन रे पालना नन को यक बन रे पालना रेशम को यक बन रे पालना चंदन को यक बनो 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 रे पालना ये सबके ये सबके लागे भोलेना के भोले जो दादी जो रेशम के लागे भोलेना के भोले जो दादी जो हरि मेरो लाल झूले अरे रुक भोले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो भोले झोका दीजो एक धीरे झोका दीजो अरे मेरा लाल झूले पहनेना एक भोले झोटा दीजो माता झूले पहनेना एक भोले झोका दीजो नंद यशोदा गोरी यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी यशोदा गोरी ननकारो ननकारो जायो ललिता के भोले झूटा दीजो ननकारो जायो ललिता के भोले झूटा दीजो हरि मेरो लाल झूले पहनेना के भोले झूटा दीजो मेरो लाल झूले अरे नक भोले जो खाली जो अरे नक भोले जो खाली जो भोले जो खाली जो बोल नंद के लाला की ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जागो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जागो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने जायो है लाल जायो है ये सोदा ने लाल जायो है ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे जूथ के जूथ नंद घर आवे ओ जूथ के जूथ नंद घर आवे बाल बाल स
सब हिल मिल गए, ओ जूत के जूत नंद कर आए, ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है दई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में दई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, वो सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब ही कहें धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुख सो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, ब्रह्मा शिव सन का दिखाए, ब्रह्मा शिव सन का दिखाए, ओ सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, हर गलन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है, हर गलन को रूप सब ही हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, हो लाला जायो है यशोदा ने हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई सखियों, 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 लाखों बार बधाई नंद जी के, नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ¡Gracias!
लाल की, भागवत भगवान की।